बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, और सिंपल और इजी सी है, विंटर स्पेशल सूप की रेसिपी। ये सूप जो है वो मैं गोश्त का सूप बनाऊँगी, वो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो उसके लिए मैंने 1 किलो गोश्त लिया है। गोश्त आपने हड्डी वाला लेना है, कोई सा भी आप लें। मैंने ये बकरे का गोश्त लिया है 1 किलो। और जो जो मसाले इसमें मैं डालूंगी वो मैं आपके साथ अभी आपको मैं बताती हूँ। मैंने एक टुकड़ा अदरक का लिया था, जिंजर का, उसका मैंने फ्रेश है, उसका मैंने उसको छील के उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। लहसुन, ये 2 जवे लहसुन के थे, इसका मैंने पेस्ट बनाया, ये आपने फ्रेश इस्तेमाल करना है। 1 टमाटर, 2 टुकड़े प्याज के, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसा हुआ मिक्स ज़ीरा। और साबुत मसालों में मैंने लिया है 6-7 काली मिर्च, 3 टुकड़े दालचीनी के, 2 मोटी इलायची, 6-7 लौंग, 3 कड़ी पत्ता। तो ये मसाले जो है आपने इस सूप में डालने हैं, और आपका सूप बहुत बेहतरीन और अच्छा तैयार होगा। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले हंडिया में पानी रखा है, ये 2 ग्लास मैंने पानी के हैं। मैं सूप जो है वो मिट्टी की हंडिया में बनाऊंगी। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी वो आपको बहुत पसंद आएगी, और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ये आपको कैसी लगी। वैसे भी सर्दियाँ हैं, ये जो रेसिपी है ये बड़े बच्चों सब के लिए है। तो पानी हमारा बॉयल हो गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, मैं सारे मसाले एक ही साथ पानी में डाल दूँगी। ये 2 कप मेरा पानी था। ये बहुत इजी आसान सी रेसिपी है, आप इसको हंडिया को चढ़ा कर आप और का बाकी के काम भी कर सकते हैं। अब बिस्मिल्लाह, मैं इसमें गोश्त डाल दूंगी। गोश्त को मैंने अच्छी तरह गर्म पानी से धो के रखा हुआ था, बिस्मिल्लाह। अब इसे मैं मिक्स करूंगी, मिक्स करके अब मैं इसके कवर कर दूंगी। आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो आपने ये बच्चों को बना कर दें, बड़ों को दें। अब 10 मिनट गुजर के अब मैं सूप को चेक करती हूँ, इसे मिक्स कर दूँ। वक्फे वक्फे से आप इसके जो है ना चम्मच चलाते रहें थोड़ी देर के बाद। ये मिट्टी की हंडिया है ना, तो फिर ये इसमें थोड़ा सा टाइम से लेगी तैयार होने में। अगर दूसरी हंडिया हो ना तो वो जल्दी से तैयार हो जाती है, पर जो टेस्ट मिट्टी की हंडिया में है ना वो दूसरी हंडिया में नहीं आता। आपने खुद आप जब बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा। हम इसे कवर कर दूंगी। अब 1/2 घंटा गुजर गया, अब मैं सूप को चेक करती हूँ। माशाल्लाह, देखिए हमारा गोश्त भी अच्छी तरह गल गया है, और जो मैंने मसाले डाले थे लहसुन प्याज सब जो है वो इसमें अच्छी तरह गल गया है। अब मैं जो है ना चूल्हे की आँच कम कर दूंगी, हल्की आँच पर इसे 20 मिनट के लिए पकाऊंगी, फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अब मैं जो सूप के साथ ब्रेड सर्व करूँगी, एक मैंने ब्रेड की पीस लिया है, उसको मैंने छोटे छोटे पीस बना लिए हैं, और मैंने पैन लिया है वो मैंने चूल्हे पे रखा हुआ है। अब इस पे मैं थोड़ा सा बटर फ्लिप करूँगी, बस हल्का सा, लेकिन आँच कम कर दूँगी। अब जो मैंने ब्रेड की पीसीस काटी थी वो मैं पैन में रख दूँगी। ये सूप के साथ मैं सर्व करूंगी। अब मैं इनकी साइड चेंज करती हूँ। माशाल्लाह देखिए, बस दोनों साइडों से आपने थोड़ा थोड़ा इसको सिर्फ सेक सलकाना है, बस फिर उतार लेना है ताकि ब्रेड जो है वो कच्ची ना रहे। अब सूप ही माशाल्लाह हमारा तैयार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें
दिखाती हूँ। मैंने हल्की आंच पर 20 मिनट रखा था। देखें माशाल्लाह। अब मैं जो है ना इसको छान कर प्लेट में डालूंगी और सर्व करूंगी, क्योंकि इसमें साबुत मसाले भी हैं और बच्चों को साबुत मसाले नहीं पसंद होते। और मैं जो है ना हड्डियाँ सेपरेट कर दूंगी और पोटियाँ सेपरेट। माशाल्लाह देखें हमारा सूप जो है वो तैयार हो गया। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी, मैंने रेड चिलीज नहीं डाली ना, तो इसलिए मैंने काली मिर्च सिर्फ डाल के देखे। मैंने जो है ना हड्डियाँ सेपरेट कर दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने ऐसे ही बच्चों को सर्व करना है। ब्रेड के साथ अगर चाहे तो आप चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। कोश भी अच्छी तरह गल गया। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखें, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूंगी। और मैं आपको आज बाहर का वेदर दिखाती हूँ जिसके लिए मैंने ये सूप तैयार किया है।